वेलकम टू नेचुरोपैथी नेचर क्योर्स। डिप्रेशन, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्यों होता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, डिप्रेशन होने का जो मुख्य कारण है, हमारे जो ब्रेन सेल है यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाना, यानी कि ब्रेन को कम ऑक्सीजन अगर मिलेगी, वो किसी भी कारण से हो, ब्रेन को अगर कम ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत संभावना रहती है कि आपको डिप्रेशन हो और एंजाइटी अटैक का भी खतरा बना रहता है। हमारे शरीर का जो 20% ब्लड है, ब्रेन हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, 1.5 किलो के आसपास होता है उसका फुल बॉडी वेट का, लेकिन 20% ऑफ ब्लड ब्रेन में रहता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि जब आदमी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी उसका ब्रेन जो है लगभग 20 मिनट तक जिंदा रहता है, क्योंकि 20% ब्लड स्टोर करके रखता है ब्रेन अपने पास। जब ये, और ब्लड का क्या काम है, ब्लड इज अ पोस्टमैन, कि कोई भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, इसकी सप्लाई ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरी बॉडी में होती है और स्पेशली ब्रेन में होती है। तो जब ब्रेन को सप्लाई कम होने लगती है तो हमें डिप्रेशन होने लगता है, या गुड क्वालिटी की सप्लाई रुक जाती है, कि ब्लड तो पहुंच रहा है लेकिन ब्लड में अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो भी हमको डिप्रेशन होने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए, सबसे पहली चीज तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहेगी तो आपको डिप्रेशन में आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, हमारे ब्लड में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत छोटी छोटी सी मैं टिप्स बता रहा हूं, इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी बिना किसी मेडिसिन के। तो सबसे पहले जिस भी पलंग पे आप सोते हैं, जिस तरफ आपके पैर हैं उस तरफ लगभग 4 इंच के लगभग एक पैकिंग लगा दें, जो पैर होते हैं ना, पलंग के पैर होते हैं, पाए होते हैं, जो उसको ऊंचा उठा दें। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड की सप्लाई रहेगी वो पैर से सर की तरफ को हो जाएगी, मतलब आपका पैर थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, सर नीचा रहेगा, तो जो ब्लड है वो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा। जब ब्रेन की तरफ रात भर ब्लड जाएगा तो हमें, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी और हमें डिप्रेशन होने का खतरा कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज मैंने बताया कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे ज्यादा होगी, उसके लिए हमें प्राणायाम करने की जरूरत है, खासतौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें, 10 मिनट तक लगभग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ये खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, और आइडियली इसको सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, 10 मिनट के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन कम होने लगेगा। और साथ में एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसका किस तरह से किया जाता है। ये अंगूठे जो होते हैं हमारे, इनको कान पे रख लिया जाता है, 3 उंगली ये आँखों पे रख ली जाती है, 1 उंगली होंठ के पास रख ली जाती है, और ये ऊपर की उंगली माथे पर। इसके बाद पूरी गहरी सांस भरी जाती है, गहरी सांस भरने के बाद जैसे भंवरे की आवाज़ होती है ना, मुंह बंद करके नाक से भंवरे का उच्चारण या ओम का उच्चारण करें आप, तो मुंह बंद रहेगा और ओम का उच्चारण होगा, उससे जो प्राणायाम होता है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत अद्भुत प्राणायाम है। जब भी आपको डिप्रेशन हो रहा हो आप 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करें, आप देखेंगे कि आपको तुरंत के तुरंत आराम मिलता है। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। सांस भर लें, ये कान बंद हुए अंगूठे से, ये 3 उंगलियों से आंख बंद हुई, लास्ट वाली फिंगर इस पे आ गई हमारे होठों के पास, और ऊपर वाली जो फर्स्ट फिंगर है ये आ जाएगी हमारे माथे पे। अब सांस भरी हुई है और भंवरे का उच्चारण करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे हम मुंह बंद करके इस तरह से। इस तरह से 11 बार अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिप्रेशन में तुरंत आराम आ जाएगा। अब एक पॉइंट बता देता हूँ, कभी अगर आपको बहुत डिप्रेशन लग रहा है तो ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है, दोनों हाथ की रिंग फिंगर और दोनों पैर की बीच वाली ये रिंग फिंगर जिसको कहते हैं हम, इसको जोर जोर से ऐसे दबाना है, इस तरह से अंगूठे से इस तरह से दबाना है। ये अगर आपको डिप्रेशन हो रहा होगा तो ये थोड़ा पेन भी करेगी, ये पेन दूर कर देना है, पहले लेफ्ट हैंड का, उसके बाद राइट हैंड का,
फिर दोनों पैरों का, इसी तरह से इसको दबाएंगे तो ये भी आपका डिप्रेशन दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब एक हमें ब्रेन के सेल को मजबूत करने के लिए, ब्रेन को काम करने के लिए, ब्रेन को शांत करने के लिए कुछ रेमेडी मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, 50 ग्राम फ्लैक्सीड अलसी लेनी है, 50 ग्राम अखरोट लेना है, 50 ग्राम ही बादाम लेना है। इसके बाद दो हर्ब्स लेनी है हमें, ब्राह्मी आयुर्वेदिक स्टोर पे आराम से मिल जाएगी आपको, ब्राह्मी का चूर्ण 50 ग्राम और शंख पुष्पी का चूर्ण 50 ग्राम और एक जायफल या जायफल का पाउडर। अब इसको बनाना कैसे है, या तो आप ये 50-50 ग्राम जो सीड्स हैं अखरोट अलसी और बादाम इनको पाउडर बना लें, पीस लें। एक चम्मच ये पाउडर ले लेना है, इसमें आधा चम्मच ब्राह्मी का पाउडर, आधा चम्मच शंखपुष्पी का पाउडर और एक चौथाई चम्मच जायफल का पाउडर, ये सारी चीजें मिलाकर पानी में घोल लेनी है और घोल कर ये आपको पी जाना है। आप इसको अगर आप इसका आपको बहुत डिप्रेशन का इश्यू रहता है तो इसको दिन में दो बार आपको रेगुलर लेना है, आप देखेंगे 90 डेज के अंदर अंदर आपका डिप्रेशन काफी कम हो जाएगा। एक दूसरा तरीका बता देता हूं इसको बनाने का, अखरोट बादाम और अलसी को भिगो कर रख लें आप, आधा आधा चम्मच, मतलब आधा चम्मच हमने अलसी ले लिया, चार बादाम ले लिए और दो अखरोट ले लिए, इसको पानी में भिगो कर रख दिया रात भर, सुबह इस पानी को ये जो हमारे भीगे हुए बादाम अखरोट है इनको पीस लेना है, इसी में आधा चम्मच हमको मिला देना है ब्राह्मी का पाउडर, आधा चम्मच मिला देना है शंखपुष्पी का पाउडर और एक चौथाई चम्मच हमको मिला देना है जायफल, इसको आपको अच्छी तरह से गुनगुने पानी में घोल कर पी जाना है। ये पीने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ब्रेन सेल्स जो है मजबूत होने लगेंगे और जो डिप्रेशन के आपको अटैक्स आते हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अब खाने में क्या खाना है, सुबह का नाश्ता जो आप करते हैं उसमें पपीते और केले का सेवन जरूर करें। पपीता ले लें, पपीता आजकल हमेशा अवेलेबल रहता है, और पका हुआ केला ये आप नाश्ते में जरूर शामिल करें। एक केला ले लें 100 ग्राम के लगभग, पपीता पका हुआ पपीता ये खाएं। लंच के पहले एक बीटरूट और एक टमाटर और एक प्याज, इसका सेवन करना बहुत लाभदायक होता है अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। इसी तरह से डिनर के टाइम पे भी अगर आप एक थोड़ा सा बीटरूट लें, टमाटर लें और साथ में एक प्याज ले लें, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बीटरूट और टमाटर का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ाता है, प्याज सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और इसको इफेक्टिव बनाना है तो इसमें एक चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल दें आप, तो आप देखेंगे अगर इस तरह के प्रयोग आप करते रहेंगे तो आपको डिप्रेशन से आराम आ जाएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए फॉलो द नेचर एंड नेचर विल हील यू। थैंक यू।